पानी के ऐसे आते हैं यहाँ पे टैंकर, ये पानी रख के जाते हैं यहाँ पे, जैसे ये रखे हुए, ये खाली रख दिए इन्होंने और ये भरे रख देंगे और खाली लेके चले जाएंगे। ऐसे सबके घर के सामने से लेके जाते हैं। पानी की सर्विस यहाँ पे ऐसे होती है, ये पीने का पानी है, नहाने वहाने का तो सब दूसरा आता है, वो यहाँ नीचे स्टोर होता है। बड़ी समस्या पानी की यहाँ पे। आए हैं गैस के लिए, जो हमारा न्यू घर है उसके लिए, बट ये बंद है। टाइमिंग 9:01:326। ओहो, अभी बजे हैं 2, तो अभी हमें 1 घंटा वेट और करना पड़ेगा। हमने सोचा जी मार्ट में जाते हैं, वहाँ पे सामान ले लेंगे घर के लिए, जो भी बर्तन वर्तन है या और चीज़ें जो हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं वहाँ पे, क्या क्या लेना है और सब चीज़ें। पहले चलते हैं जी मार्ट। सामान जो हमने अभी लिया है और ये जी मार्ट है, इसका फुल टूर है जो वो हम बाद में करेंगे। अभी तो हमने थोड़ा सा सामान लिया, बाकी और अभी बाकी है तो वो बाद में करेंगे। जो बनाना है वो ले लो ना, बीन्स ले लो, बीन्स अच्छे ये एकदम बढ़िया है, तो ले लो ना जो लेना है। बोल तो रहा हूँ क्या लेना, तुम बोल ही नहीं रही। यहाँ भाई सब्जी ऐसे मिलती है, ठीक है रेट 20 रुपये किलो टमाटर है, 20 रुपये किलो आलू है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक ही लगा मेरे को तो। वहाँ के जैसे ही है, हमारे हरियाणा में जैसे लगता है, पर यहाँ थोड़ा अलग है, सब्जी वगैरह ऐसे रख के बेचते हैं। और मंडी वगैरह पता नहीं कहाँ है, मुझे मालूम नहीं है, इसको पता होगा। हाँ जी, कहाँ पे हैं वो? अच्छा 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 ठीक है, आधा केजी कर देता हूँ भैया। हाँ ठीक 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 समझ गया, इसको बोल रहा था मैं मंडी होगी, बोली नहीं यहाँ ऐसे ही मिलता है, सब जगह मिलते हैं, इसको पता नहीं है ना, इसको जो नहीं पता था कहते यहाँ होता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ हर शहर में मंडी होती है यार, ऐसे थोड़ी होता है। इस शहर में 4-5 मंडी है, ले ऐसी चीजें जिस रोज ले लो ले लो जो भी लेना ले लो। बहुत अच्छी बात है, फिर तो क्या अच्छी बात है, कोई कस्टमर थोड़ी एक जगह रुकेगा। वो आपके लिए फिर वो हो गया हमारे लिए, जैसे आप तो जिधर भी निकलोगे ना इधर से ये रोके ना एकदम आगे भी मंडी होगी, थोड़ा लेवल तो क्या क्या ले लिया? अच्छा वो उनका नहीं, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, और वो लेना है क्या? लेना मटर अच्छा है, दूध चाहिए, मटर है, केरी से मकई है, कौन है अच्छा वाला? हाँ दिल्ली के हरियाणा के लग रहे हो? हाँ हरियाणा से हूँ मैं। लोग देखते ही पहचान जाते हैं हरियाणा से। बोली सब जगह अलग अलग पड़ती है ना भैया। हाँ अच्छा, हमें यहाँ पसंद लोग के नहीं है, इसलिए हमारी बोली की भी डिफरेंट हो जाता है, वो टोन आ जाती है ना, मेरे तो वैसे भी हरियाणवी टोन आती है, पहनने से भी पता चल जाएगा और बोली से भी पता चल जाएगा। हाँ। कोई भी कस्टमर हो। अच्छा वैसे भी आप तो सही बात है, दिन दिन में तो पता नहीं कितने मतलब लोग आते होंगे आपके पास, एक्सपीरियंस हो जाता है आपको। पहले तो मेरे को भी इसमें नॉलेज जरा भी नहीं था, तो मैंने पापा का है, मैं खुद जॉब करती थी,
लेकिन जॉब में अभी पेमेंट बहुत कम है। हाँ। खुद का तो छोटा सा खुद का होता है तो इसमें क्या छुट्टी भी लेनी पड़े तो मगजमारी करनी पड़ती है। इसमें साइन करो, आओ भी साइन करो, सही बात है, साइन करो। हाँ। नहीं ये अपना बिजनेस ठीक है। एक साइन भूल जाओ तो पूरा महीने में एक बार की तो सैलरी कट। हाँ ये ठीक है, अपना छोटा है, अपना है, सही है। हाँ ठीक है, और क्या लेना है बोलो, और क्या लेना है? वो गोभी, आलू, टमाटर, बैंगन, प्याज, प्याज मैं लेके आता हूँ, छोटे छोटे। हाँ मीडियम। अच्छा ये सारा करना पड़ता है। ठीक। मटर नहीं चाहिए, पालक अच्छा है, कौन अच्छा है, वो आइटम तो ऐसे ही है खाने जैसे है। ये एक महीना भी है। पालक कहाँ है? पालक कहाँ है? है मेरे पास है अंदर। अच्छा अच्छा, पालक लेना है? लेना है। वहाँ हमने बोर की थी, यहाँ हमें खरीद रहे हैं। पालक भाई, गाजर देखो कैसे यहाँ की। अच्छा हाँ, और रेड वाला है, और इधर का प्रख्यात गाजर यही है देसी। अच्छा, ये हरियाणा से आई हुई है, हरियाणा में। तुम किस नंबर से? ये हरियाणा में उगती है ये, ऐसी ऐसी बस, और कहीं पे नहीं उग सकती ना। हरियाणा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ और कुछ नहीं हुआ? ना ना, एक्सपीरियंस तो मेरे को बहुत है। हाँ। सही बात है, सब्जी का, सब्जी का बचपन से मैं सब्जी उठाते हैं वहाँ पे। यहाँ खरीद रहे हैं सब, उधर तो बहुत है। हाँ हाँ, 40 का किलो ही है। चलो ठीक है, अदरक लेनी है? अदरक दाम बढ़ जाएगा, अदरक थोड़ा सा ये ले लेते हैं, एक किलो ना ये दे देना, अदरक मिर्च डाल देना, अदरक ये डाल, ये दे दो, उतना ही चाहिए। हाँ ये सूख जाता है ना फिर। एक बात बताओ, ये वाली चीज है ना, ये वाली जमीन के अंदर की चीज होगी ना, वो जल्दी से खराब, उसको टोचर हवा कुछ नहीं लगेगा। ये सब बाहर निकलती है ना, उसको धूप जल्दी से लग जाती है, हवा तो जल्दी से लग जाती है, ये नहीं लगेगा, इतना विश्वास। बहुत तेज धूप है यार यहाँ पे, ये पता कैसा लग रहा है, जैसे ऊपर ककड़ी के ऊपर का वो होता है ना, वैसा वैसा है ये, अजीब है। छोटा छोटा चलो, अभी तो रहने दो, ना ना बस वो कर लो, जितना है वो ले लेते हैं ना, टमाटर, बैंगन, ये वो हो गया, रगड़ा पाव, ये चीज रगड़ के दे दिया, रगड़ा पाव हो गया। ये है भाई रगड़ा पाव, चीज़ रगड़ के दे दिया, रगड़ा पाव हो गया, बाकी खा के देखते हैं। यहाँ पे मूंगफली हर एक चीज़ में यूज़ किया जाता है, मूंगफली बताने शायद मेरे ख्याल में यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है। रगड़ा पाव मस्त है भाई, स्वाद एक नंबर का, मजा है ना। जस्सी बहन में कुछ भी नहीं है, ये खाली खाली बंजर पर आसमान, और ये सामने रोड, यहाँ पे स्कूटी खड़ी कर रखी है, और
छोटी से छोटी वीडियो है या रील अपलोड करने के लिए मेरे को यहीं आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क आता है और जहाँ पे रेजिडेंसी है वहाँ नेटवर्क नहीं आता। न्यू रेजिडेंसी बनी है इसलिए वहाँ पे अभी रेंज नहीं है, वो सिटी से थोड़ा आउट में है, तो धीरे धीरे आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है मेरे लिए, छोटी से छोटी वीडियो है जो रील है अपलोड करने के लिए वो भी इधर ही आना पड़ता है मेरे को, तो प्रॉब्लम हो रखी है। बट थोड़े दिनों की है, वैसे हमने रूम ले लिया है सिटी के अंदर, तो वहाँ पे फिर 5G है, वो भी 1 Gbps, यहाँ 0 है वहाँ 1 Gbps, बहुत ही तगड़ी स्पीड है जियो की, जो कि अभी ट्रायल चल रहा है, वहाँ मज़ा आएगा। अभी तो यहीं आके अपलोड करना पड़ता है मेरे को, ब्लॉग भी और रील भी यहीं सब आके करना पड़ता है। अभी रात को यहाँ आया हूँ मैं, थोड़ा सा ईमेल है या कुछ भी चेक करने के लिए डेली मेरे को यहीं आना पड़ता है। बाहर निकलता हूँ घर से तभी चेक हो पाता है, अदरवाइज़ घर में तो बस कुछ भी नहीं चलाने के लिए इधर उधर ऐसे ऐसे लेके घूमना पड़ता है, थोड़ा बहुत चेक हो जाता है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है बस। तो अभी हो गया है, देखना अपलोड हो गया है व्लॉग, तो देख लेना, बस थोड़े दिन की मुसीबत है फिर हो जाएगा सही। ऐसे रोड पर स्कूटी खड़ी करके यहाँ डेली करना पड़ता है मेरे को, क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। चलो अभी चलते हैं घर।